सितंबर के महीने में अक्सर किसानों के मन में सवाल उठता है कि वो किस चीज की खेती करें। अगर आप सब्जी की खेती करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जानना भी जरूरी है कि इस मौसम में कौन सी सब्जी की खेती की जाए जिससे आपको अच्छा मुनाफा मिल सके। खेती में किसान किन बातों का ध्यान रखें, उसके लिए सुनिए क्या कहना है भोजपुर केवीके के हेड डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी का। और वर्तमान समय में अगस्त का महीना चल रहा है और हमने कुछ शुरुआती दौर में कुछ सब्जियों की खेती कर दी थी, लेकिन अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण सब्जियां हैं जिनकी की खेती हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें खास करके पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, मिर्च, मटर, परवल, ये सब बड़ी प्रमुख हमारी फसलें हैं जिनकी की हम खेती करने जा रहे हैं। इसमें खास करके जब हम टमाटर की बात करते हैं, मिर्च की बात करते हैं, बैंगन की तरह से इनकी भी जो है पौधशाला हम तैयार करते हैं, तो पौधशाला तैयार करने के लिए पौधशाला में ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी जो पौधशाला हो वो किसी भी परिस्थिति में 1 मीटर या ज्यादा से ज्यादा 1.25 मीटर इससे ज्यादा चौड़ी नहीं हो और थोड़ी सी उठी हुई भी होनी चाहिए, जिससे कि अगर बारिश होती है तो बारिश की पानी का उसके ऊपर जल जमाव नहीं हो और हमारे जो पौधे हैं वो खराब नहीं हो। तो अब हमें अगर आवश्यकता है बंदा गोभी या फूल गोभी के बीज लगाने की, तो इसके लिए हमको 500 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम मिर्च की बात करते हैं तो लगभग 1 किलो बीज की आवश्यकता होती है। टमाटर की बात करते हैं तो हमको 700 से लेकर के 800 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है पारंपरिक रूप के, और जो अगर नए किस्म के जो हमारे जो टमाटर आ गए हैं तो उसमें 400 से 500 ग्राम बीज ही काफी पर्याप्त होता है 1 हेक्टेयर के लिए। और इसी प्रकार अगर हम परवल की बात करें तो परवल के लिए हमको 5000 गुच्छियों की आवश्यकता होती है। मटर की बात करें, सितंबर का महीना के शुरुआत में ही हम मटर की बात करते हैं, कहीं कहीं पर अगस्त में भी उसको हम लगा देते हैं अंतिम अगस्त तक, तो उसके लिए हमको चुकी शुरुआत में पौधों की जो संख्या होती है वो ज्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर पौधे हमारे आगात में कम रहेंगे तो उनमें फलन चुकी कम होता है तो कुल उत्पादन हमारा कम हो जाता है। और इसके लिए हमको ये ध्यान देना पड़ता है कि हमारे पौधे ज्यादा हों, और पौधे ज्यादा हों इसके लिए हमें कम से कम 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना चाहिए। और जब पिछात हम लगाते हैं तो पिछात में हमारा 50-60 किलो बीज ही पर्याप्त होता है। तब हम बात कर रहे हैं कि जो पौधशाला है उसमें हमको अपने नर्सरी में बीजों को डालना है, तो बीजों को डालने के पहले हमको बीजोपचार करना चाहिए, और बीजोपचार के लिए कार्बनडाजिम मैनकोजिम का मिक्सचर आता है या फिर केवल कार्बनडाजिम से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम जैविक तरीके से करना चाहते हैं तो हमारे पास ट्राइकोडर्मा है जिसका 8 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज चाहिए, और जब हम कार्बनडाजिम से करते हैं तो 2 ग्राम हमको इसकी आवश्यकता होती है, या मिश्रण से करते हैं तो 3 ग्राम की आवश्यकता होती है प्रति किलो बीज। इनको थोड़े से पानी में हम घोल देते हैं और उसी में बीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, इस प्रकार हमारा बीजोपचार आसानी से हो जाता है। जहां तक बात है खेत के नर्सरी की बात हम करें तो नर्सरी में निश्चित रूप से उसकी तैयारी के पहले हमको कम से कम प्रति 100 वर्ग मीटर में 3-4 टोकरी गोबर की खाद, 2.5 किलो सरसों की खल्ली, और उसके साथ में अगर संभव हो तो हमको 1 किलोग्राम पोटास उसमें जरूर डालना चाहिए। अगर थोड़ा सा हमको लगता है कि हमारे खेत कमजोर है तो उसमें हम 1 किलोग्राम DAP भी हम उसमें मिला सकते हैं, हालांकि शुरुआती दौर में इसकी आमतौर पर आवश्यकता हमें नहीं होती है। तो इनको अच्छी तरह से मिलाकर के गोबर की खाद, खल्ली और ये सब चीजों को, और हम बेड का तैयारी कर देते हैं। जब बेड हमारा तैयार हो जाता है तो बेड में हम छोटे से लकड़ी से या किसी नुकीली चीज से 2-2 सेंटीमीटर 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर पतली नालियां बनाते हैं, लकीरें बनाते हैं, और उन्हीं में बीजों को हम, चूंकि ये बीज बड़े हल्के और बहुत छोटे होते हैं, तो इन बीजों को जैसे हमारे गोभी के हुए, चाहे बंदा गोभी या फूल गोभी हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, उनके बीजों को हम उसी में डालते हैं। डालने के बाद उनको हाथ से फैला करके मिट्टी से उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद उनके ऊपर हम पुआल से उनको अच्छे से ढक देते हैं। पुआल से ढकने का पर्पस वो होता है कि पहला ये होता है कि हमने पुआल से ढका और उसको पानी से सिंचाई करने के बाद गीला कर दिया तो ज्यादा देर तक हमारी नमी रहती है, नीचे के खेतों में हमारे दरार नहीं आती है, बेड हमारा नमीयुक्त रहता है और पौधों का जो है जमाव बड़ा अच्छा होता है। शुरुआती दौर में बाहरी चिड़िया वगैरह का भी उसके ऊपर कोई ज्यादा असर या प्रकोप नहीं देखने को मिलता है। जब पौधे हमारे 2 पत्ते के हो जाते हैं, स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, उसके बाद में धीरे से दाहिने के तरफ से और बाएं तरफ से दोनों हाथों से हम पुआल को सीधे जमीन के समानांतर खींच लेते हैं आहिस्ते आहिस्ते, और इससे हमारे पौधे बिल्कुल स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा दिन अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे जो पौधे होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, फिर आगे चल करके उन पौधों में आड़े तिरछे पौधे होने लगेंगे जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, पौधों के तने में ताकत की कमी हो जाती है, तो इसकी आवश्यकता होती है, इसको हमको जरूर ध्यान देना चाहिए। किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है,
किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है, किसान तक खाना है तो उगाना है।